विजयदशमी के दिन अहंकार के प्रतीक रावण का किया गया दहन। 10 साल बाद गोमो में फिर से शुरू हुआ रावण दहन कार्यक्रम। हजारों लोग रावण दहन को देखने पहुंचे। धनबाद कोयलांचल में दुर्गोत्सव के दशमी के दिन विजयदशमी को अहंकार अधर्म बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण का दहन किया गया। गोमो रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में 10 साल बाद फिर से रावण दहन का कार्यक्रम गोमो नागरिक मंच के द्वारा शुरू किया गया। 22 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया था। कार्यक्रम में वीडियो राकेश एक का विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, हरिहरपुर थाना प्रभारी योगेश महतो, नागरिक मंच के अध्यक्ष विनय उपाध्याय ने संयुक्त रूप से रावण का दहन किया। वहीं नागरिक मंच के अध्यक्ष विनय उपाध्याय ने कहा कि 10 सालों से गोमो में रावण दहन स्थगित था। इसकी दोबारा शुरुआत कराने में SDM थाना प्रभारी सहित गोमो के लोगों ने सहयोग किया। ये गोमो के नागरिकों का योगदान है, क्योंकि ये मंच गोमो नागरिक मंच है। इसमें कोई कमेटी नहीं है, कोई दुर्गा मंडप की कमेटी नहीं है, ये केवल गोमो नागरिक मंच है। और मात्र 4 दिनों में हम लोगों ने ये तैयारी किया। गोमो के वर्तमान थाना प्रभारी योगेश महतो और हमारे वर्तमान SDO तिवारी जी के सहयोग से और उनके आदेश से हम इस प्रोग्राम को सफल कर पाए। हमारा सबको धन्यवाद है, सारी जनता को धन्यवाद है। और गोमो नागरिक मंच हर साल इस आयोजन को करेगा और इससे हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का झंडा फुलक है।